और सारे लोगों ने, शिक्षाविद हो, छात्र हो, वैज्ञानिक हो, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हो, सभी छात्र छात्राओं ने छोटे छोटे वीडियो तक भी मुझे भेजे हैं कि हमने ये पुस्तक है और इसको हमने अपना मित्र बनाया है और इसमें हम अपने मित्र को हमेशा साथ रखेंगे। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने इस अभियान में बहुत अच्छी तरीके से अपने को जोड़ा है और अभी ये अभियान जारी है। आप और लोगों को भी कह सकते हैं, आप भी जो है इस बीच बहुत अच्छी सी किताब जरूर पढ़ेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। जी जय मिश्रा, पुणे जी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोविड महामारी के कारण उत्पन्न हुए शैक्षणिक अंतराल को पाटने की किस प्रकार योजना बना रहे हैं? संकट काल समाप्त होने पर आप शिक्षा का क्या भविष्य देखते हैं? आपने कहा कि इस महामारी के कारण उत्पन्न जो शैक्षणिक अंतराल है, पाटने में मंत्रालय क्या कर रहा है? जय, आपको तो मालूम है, अभी मैंने कुछ समय पहले से ये कहा है और लगातार कहा है कि उसको पाटने के लिए हमने कई प्रकार से स्कूली शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, उच्च शिक्षा में और विभिन्न प्रकार की शिक्षा में कौन कौन क्या क्या कर सकता है, इसमें एक तो हमने उसमें प्रतिस्पर्धा करवाई है। पाठ्यक्रम के लिए जो जैसे उच्च शिक्षा में काफी कुछ पाठ्यक्रम हो गया था, लेकिन जो बच्चा हुआ था वो आप इंजीनियरिंग स्नातक है ना, तो आप है, हम भी उसके लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी की और एक हेल्पलाइन अलग से इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए बनाई है। और जो हमारे IITs और NITs और RISE और IIM और तमाम बड़ी संस्थाएं हैं, उनको भी कहा, एक युक्ति पोर्टल आप इस कर रहे हैं, उस युक्ति पोर्टल पर आप दीजिए अपने सभी जो इस बीच आपकी उपलब्धियां हैं। मुझे खुशी है कि युक्ति पोर्टल पर हमारे बहुत अच्छा आप शोध कर रहे हैं, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े काम, नए काम, नई चीजें आपने की हैं और युक्ति पोर्टल पर बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उसको पाटने की, उसको पाटने की पूरी कोशिश है, हम आपका वर्ष खराब नहीं होने देंगे, हमारी भरसक कोशिश है। इसलिए आप तो यदि देखेंगे तो ये जो स्वयं है, स्वयं पर 1900 पाठ्यक्रम, लगभग 2000 पाठ्यक्रम है और कितना उस पर आपके लिए सामग्री है। AICT ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजों को इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए किया है। तो आपका जो पाठ्यक्रम शुरू, कई कई प्रकार की प्रतियोगिताएं की हैं और ऑनलाइन पाठ्यक्रम हर चाहे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, और आपको तो मालूम है कि आपका जो NDL है, राष्ट्रीय डिजिटल जो लाइब्रेरी है, उसमें 4 करोड़ से भी अधिक डिजिटल सामग्री है। तो इतनी समर्थता है हमारे पास, मुझे भरोसा है कि आप उसको उसका उपयोग कर रहे होंगे और आप इसकी चिंता मत करिए। हम समय को कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से वो जो समय है उसको हम पा सकें। जी उत्कृष्ट से बोल रहे हैं कि मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ और मैं 83 विषयों में से 29 विषयों की सूची चाहता हूँ जो बोर्ड परीक्षा में आएंगे। उत्कर्ष, ये जो सूची है, जो CBSE का जो वेबसाइट है, उस पर तुरंत जाइए यहाँ से उठते ही और उसको देखिए, आपको 29 विषय मिल जाएंगे। और 29 ही नहीं, जो 23 विषयों में भी होगा। और CBSE परीक्षा में आपको तो मालूम है कि हमसे तो 83 पेपर रह गए हैं, 83, लेकिन ये सब वैकल्पिक है, केवल 29 जो मूल विषय होते हैं, वो मूल कौन कौन से विषय हैं उनको आप उस साइट से देख लीजिए और उन्हीं की आप तैयारी करिए। शेष का जो जो शेष प्रश्न पत्र है, जो वैकल्पिक है, उनको हम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जैसे और कक्षाओं के साथ में वैसे उसके हिसाब से उन विषयों के साथ होगा।
जी सुभाष, सुभाष अभी कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरा सेंटर उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। मैं पहली अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हूँ, लेकिन आपके नोटिस के अनुसार दो परीक्षाएं भी फिर से आयोजित की जाएंगी। क्या मुझे इन दोनों परीक्षाओं में फिर से सम्मिलित होने की जरूरत? सुभाष कोई जरूरत नहीं है, जो परीक्षाएं हो गई हैं उन परीक्षाओं में कोई जरूरत नहीं दोबारा आप सम्मिलित हो। और इसलिए आपकी जो परीक्षाएं नहीं हुई है उन्हें आपको देना है, सब विषयों में आपको सम्मिलित होने की नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के भी हम एक दो दिन में आपको बताएंगे कि हम कौन सी तिथि घोषित करते हैं। बहुत जल्दी से आज या कल में हम कोई निर्णय लेने वाले हैं कि आपकी सीबीएसई बोर्ड की किस तारीख में परीक्षा होगी, ये भी जल्दी से आपको पता चल जाएगा। जी सुदर्शन, साहिल, साहिल बताइए, भोपाल से एमएससी गणित में है आप, सरकारी कॉलेज से संबंधित परीक्षाओं का क्या होगा? ऑनलाइन कक्षा की उपलब्धता नहीं है और यहाँ तक कि पाठ्यक्रम 50-50 में हम परीक्षा नहीं दे सकते हैं, और यहाँ तक कि कॉलेज भी इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। मुझे आपके कॉलेज को कहना है कि वो आपको जरूर इसका सुझाव दे साहिल, और आपको मैंने पहले भी कहा कि जो पाठ्यक्रम 50-60% विश्वविद्यालयों के हो गए, जो शेष 40-50% पाठ्यक्रम उनके शेष है, उन पाठ्यक्रमों में भी वो ऑनलाइन किसी तरीके से वो पढ़ा रहे हैं। और जैसे कि ये छात्रों को हो सकता है कि स्मार्ट ही है, हमारे पास नेट नहीं है, तो मैंने अभी कहा है कि आपके पास 2400 घंटे के 32 चैनल है, टीवी चैनल है, उसका पूरा उपयोग करिए और आपके अध्यापक गण, मुझे भरोसा है कि वो अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि कल ही यूजीसी के चेयरमैन साहब ने मुझे रिपोर्ट की है कि अध्यापक पूरे जो बचा हुआ जो पाठ्यक्रम है उसको ऑनलाइन किसी तरीके से वो करने में पूरा कर रहे हैं। तो भी यदि कोई ज्यादा कठिनाई होगी, विश्वविद्यालय में पोस्ट गठित हो गया होगा, और यदि वहां से भी आपको ऐसा लगेगा कि उसको अभी आपको और कुछ जानकारियां चाहिए, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी में एक टास्क फोर्स हमने बनाई है, उस टास्क फोर्स में आकर आप अपनी बात को रख सकते हैं और आपकी समस्या का निदान हम करेंगे। जी लवली, लवप्रीत, लवप्रीत कौर जालंधर मेडिकल से जुड़ी है। सर आपसे निवेदन है कि कृपया जी में भरी ताकि हम उचित रूप से और उस तिथि के अनुसार अध्ययन कर सकें। लॉकडाउन के कारण कोचिंग सेंटर बंद होने से हमारी पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है। एक बात तो सही है, नुकसान तो पूरी दुनिया का हो रहा है लवप्रीत। मैं समझता हूँ कि इस समय ये कोचिंग सेंटर इसलिए बंद है कि उससे और परेशानियां खड़ी होती और उससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, जान है तो जहान है, और जिंदगी को बचाने का पहला हमारे पास उसके सामने और कोई सारे चीजें बात क्या है, और जो चुनौती है इस समय जिंदगियों को बचाने की, समाज को बचाने की, परिवार को बचाने की, देश को बचाने की है। तो ऐसी परिस्थिति में आप तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन घर में वो तैयारी कर सकती हैं आप। बहुत सारे छात्र छात्र हैं जिन्होंने कोई कोचिंग सेंटर कभी ज्वाइन नहीं किया और उन्होंने बहुत अच्छे अंकों को हासिल किया, लेकिन हाँ आपका ये कहना है कि जेईई की जो तारीख की है वो भी बहुत सारी सूचनाएं लगातार छात्रों छात्राएं उनके मन में उत्सुकता थी कि ये जेईई की जो परीक्षाएं ये कब होंगी, और पूरे देश से लाखों लाखों छात्र इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से
जो जेईई की जो हमारी परीक्षाएं हैं वो हमने तय किया है कि 19 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ये जेईई की परीक्षाएं होंगी। तो जेईई की जो परीक्षाएं होंगी वो जेईई की परीक्षाएं हैं, और जेईई की परीक्षाएं जो आपसे चर्चा की, आप 18 से लेकर के और 23 तक पूरी तैयारी आप कर रहे होंगे, और बहुत सारे छात्रों के मन में था कि कब हो रहा है कब हो रहा है, वो आज से ही वो जुट जाए, और मेरी उनको शुभकामना कि वो बहुत अच्छी तरीके से इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जी जी राहुल जी, जी महत्वाकांक्षी चंडीगढ़ सर, मैं अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि जी एडवांस की तारीखें साझा करें। हम लोगों ने अभी जी मेन का आपको चर्चा की है, और 18, 20, 21, 22 और 23 जी एडवांस अगस्त में होगा, और उसकी तिथि भी हम आपको अवगत कराएंगे। मेरी शुभकामना कि आप खूब अच्छी तैयारी करें, और आप चिंतित मत होइए, ये वक्त आपको मिल रहा है, ये हो सकता है ये वक्त कई बार परेशानियां आदमी को और ऊंचाइयां देने के लिए होती हैं, और आप जो बहुत अच्छे तरीके से इस बीच आप तैयारियां करिए, और मेरी शुभकामनाएं आपको इसलिए साथ। बताइए गाजियाबाद से सर, कृपया आप हमें NTA LGC NET परीक्षा की अपेक्षित तिथि बता दीजिए, ताकि तद अनुसार हम परीक्षा आकांक्षा आपको मालूम है का केंद्र भर सकेंगे। आप जो UGC ने जो परीक्षाओं को किया है, और जो अभी फिलहाल जो हमारे सामने नीट का है इसका हमने वो किया है, और जो और परीक्षाएं की भी एक आध दिन में उनको उन परीक्षाओं के भी हम लोग घोषणा करेंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि जून के बाद कभी भी आपको ये परीक्षाओं का समय आएगा, और मई के महीना आपका पूरा है, 15 जून के बाद भी कोई परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन क्या ये स्थिति होती है, इन स्थितियों को देख करके वैसे निर्णय लिया जाएगा। और मेरी शुभकामना कि आप अपनी पूरी तैयारी करें, और तैयारी के साथ साथ आप जब जब भी जो निर्णय होता है उसको आप पूरा कर लेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। सर हमको नीट की तारीख का कब होगा, तो अभी नीट के बारे में हिमांशु, अभी जेईई की बात हुई थी और नीट, और नीट में भी मैं देख रहा था कि बहुत लाखों छात्र जुड़े हुए हैं, और 16,84,000 छात्र इस समय नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं, और इन 16-17 लाख छात्रों को मेरी शुभकामनाएं हैं, और हम लोगों ने तय किया है अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठ कर कि आपकी 20 जुलाई 2020 को नीट की परीक्षा होगी। फिर दोबारा कह रहा हूँ कि लगभग 16-17 लाख छात्रों ने ये फॉर्म भरे हैं, और वो लाखों छात्र जो 26 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं आपको शुभकामना दे रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि नीट की आपको तिथि पता चल गई है, आप जेईई की तिथि आपको पता चल गई है, उच्च शिक्षा का कैलेंडर आपको पता चल गया है, स्कूली शिक्षा का कैलेंडर आपको पता चल, ऑनलाइन हमारी जितने उसके बारे में भी आपको सब मालूम चल गया है, और जो भी दिक्कतें होंगी आप लगातार संवाद बना करके रखिएगा। लेकिन मेरे भरोसा है, मैं अपने अभिभावकों को भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस बीच ये भी एक ऐसा अवसर आया है जब आप अपने बच्चे को और निकटता से जानेंगे। छात्रों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस क्षण को गवाए नहीं, बल्कि जीवन के अंदर ये ऐसे अविस्मरणीय क्षण हो जाए
जब आपके घर के लोगों से बहुत आत्मीयता की और नहीं हो, बल्कि उनको लगे कि आप उनके लिए पूंजी बन रहे हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोचे, वो आपकी अंदर की सभी भावनाओं को समझ सके, आपकी प्रखरता से उनकी निकटता आ सके। और आप जरूर ऐसे कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा अनुमान है जो पीछे के समय से जितने भी अभियान, चाहे उच्च शिक्षा में लिए हमने, चाहे वो स्कूली शिक्षा में लिए, चाहे तकनीकी शिक्षा में लिए हैं, हर क्षेत्र में छात्रों ने पहली पहल करके जो भी अभियान हमने शुरू किया, और सब छात्र छात्राओं ने उसको रात दिन खप करके मिशन मोड में काम किया। तो मुझे गौरव है कि इसका करोड़ से अधिक छात्र छात्रा है, और भविष्य में तो ये यंग इंडिया रहने वाला है पूरी दुनिया में। यदि आगे 25 सालों तक मेरे भारत का पूरे दुनिया में वर्चस्व रहने वाला है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप, इस सब हर हालत में जो नए भारत के निर्माण की उन्होंने संकल्पना की है, हम इस रास्ते से होकर के गुजरेंगे और संकल्प लेंगे कि हाँ, जो वर्तमान संकट हमारे सामने आया है, हम ताकत के साथ इसका मुकाबला करेंगे, अपने को भी सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित, हो सके दूरभाष पर लोगों से ये आग्रह करते रहेंगे कि प्लीज अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। जो स्वास्थ्य विभाग के समय समय पर हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, जो आयुष विभाग ने कुछ निर्देश दिए हैं, और स्वास्थ्य विभाग ने आपको आरोग्य सेतु ऐसा एक ऐप दिया है जिसको अपने टेलीफोन पर आप डाउनलोड करेंगे, तो वो बहुत सारा मार्गदर्शन आपका करेगा, वो आपकी मदद करेगा हर क्षण हर पल। तो मैं एक बार फिर, बहुत सारे प्रश्न मुझे लगता है कि मोटे मोटे जो आपके मन में जिज्ञासा थी, जो सवाल थे, मेरे शुक्र आप इस समय का बहुत अच्छा उपयोग करें, और अभिभावकों को भी मेरा अभिवादन, और जो अध्यापक गण भी मुझको सुन रहे हैं।